सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल फ्रेंड चैनल को और जानिए टेक्निकल से जुड़ी कुछ नई बातें। हे गाइज, वेलकम अगेन ऑन टेक्निकल फ्रेंड। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ एक ऐसे एंड्रॉयड के ट्रिक लेके आया हूँ जिसकी हेल्प से दोस्तों आप जो है अपने फ़ोन की कुछ सीक्रेट डिटेल्स जो है तुरंत पता कर सकते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो खास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कोड आप नहीं जानते हैं तो बहुत सारे एंड्रॉयड के फीचर्स ऐसे हैं मतलब जिसके बारे में आप पता नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से आप लास्ट तक जरूर देखिए। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए इसी टाइप की अच्छी अच्छी ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो ये वीडियो आप तक आसानी से पहुँच पाएगी। और गाइज, प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए यार। वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हो, इससे वीडियो लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की। और वीडियो लाइक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक करो। खैर, चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैं सबसे पहले आपको एक ऐसे कोड के बारे में बताऊंगा जिसकी हेल्प से जो है आप मान लो अगर आप आपके किसी फ्रेंड ने या फिर किसी आपके पेरेंट्स ने आपका फ़ोन लिया और वो क्या कर रहे हैं अभी कुछ मान लो आपके फ़ोन में चला रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। मान लीजिए आपको आपके कोई फ्रेंड ने आपका फ़ोन लिया और कुछ वो जैसे मान लीजिए अभी यूट्यूब ओपन किए या फिर कुछ और भी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स या फिर व्हाट्सअप ओपन करके कुछ भी चला रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। उसके बाद वो चलाने के बाद वो सिंपली यहाँ से ये क्लियर कर देंगे डाटा, तो आपको पता नहीं चलेगा उसने क्या ओपन किया था। तो ऐसा आप पता कैसे पता कर सकते हैं कि अभी जिन्होंने आपका फ़ोन लिया था वो आपके फ़ोन में क्या चलाए हैं? तो इस चीज़ को पता करने के लिए आपको मैं एक सिंपली कोड बताऊंगा। वो कोड आपको यहाँ पे डायलर में डायल करना है और उसके बाद वो सारा डिटेल्स आपको आपके फ़ोन की बता देगा, मतलब आपके फ़ोन में कितनी बैटरी है, अभी कौन सी ऐप जो है चालू हुई है इस टाइम में, तो सारा कुछ आपको बता देगा। उसके लिए आपको कौन सा कोड डालना है, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको *#*#4636#*#*#, तो ये देखिए ये कोड डालते के साथ आपका ये डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ोन इन्फॉर्मेशन, पहला वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं आप यहाँ फ़ोन इन्फॉर्मेशन, तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे आपके फ़ोन के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है सारा कुछ यहाँ पे आपको शो कर देगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या शो करके आ रहा है। पहला तो आपको IMEI नंबर शो करके आ रहा है फर्स्ट वाले फ़ोन की, मतलब दो इसमें दो सिम रहती है ना तो दोनों की आती है, तो मैंने पहले वाले की खोली है तो फर्स्ट वाले फ़ोन की जो है फ़ोन इन्फॉर्मेशन बता रहा है। ये उसमें आप कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं मतलब कौन सा सिम यूज कर रहे हैं वो बताएगा आपको। तो मैं BSNL का सिम यूज कर रहा हूँ, यहाँ देखिए BSNL मोबाइल नज़र आ रहा है, ठीक। ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगा, तो यहाँ देख सकते हैं आप बहुत सारा डिटेल्स है, कौन कौन सा डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सारा डिटेल्स आप अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए टर्न ऑफ रेडियो मोड भी है इसमें ऑन, तो आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं उसे। और यहाँ पे SMSC कोड जो है आप डाल के अगर अपडेट करना चाह रहे हैं तो सिंपली यहाँ से अपडेट करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये थी यहाँ पे फ़ोन इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। यहाँ से आप सेकेंड वाली फ़ोन इन्फॉर्मेशन भी उसी तरह से देख सकते हैं, सारा कुछ सेम ही है, तो उसी तरह से सेकेंड वाले फ़ोन को भी हो जाएगी, मतलब दो सिम रहती है तो दोनों सिम की अलग अलग आती है, तो यहाँ पे दोनों देख सकते हैं आप। तीसरी आप पहले मैं बैटरी इन्फॉर्मेशन के आपको बारे में बताता हूँ। ये देखिए बैटरी में आपको बता देगी बैटरी के स्टेटस जो है अभी चार्जिंग में नहीं है, तो यहाँ देख सकते हैं नॉट चार्जिंग यहाँ लिख के आ रहा है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं पावर जो है प्लग मतलब अनप्लगिंग है, ठीक है। बैटरी लेवल जो है 73%, यहाँ देखिए ऊपर में मैं 73% मेरी बैटरी लेवल है तो अभी 73% यहाँ पे शो करके आ रही है। बैटरी स्ट्रेंथ तो मतलब स्केल जो है 100 तो रहती है। बैटरी हेल्थ गुड है, मतलब बैटरी की जो मेरी हेल्थ है अभी अच्छी है, मतलब ख़राब नहीं हुई है। वोल्टेज यहाँ पे नज़र आ सकता है, टेम्परेचर नज़र आ रहा है, सारा कुछ आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो यहाँ से फिर से बैक कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा गाइस मैंने अभी आपको जिस चीज़ के बारे में बताया वो यूजर स्केल में है, तो यूजर स्केल में मैं आता हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारा कुछ बताएगा, मतलब लास्ट टाइम यूजेज, मतलब सबसे पहले तो मैं YouTube यूज किया हूँ कब, 11:47 पे, तो यहाँ देखिए दिखा रहा है यहाँ पे, और कितने देर यूज किया हूँ तो यहाँ पे बताएगा। तो 11:47 पे मैं अपने फ़ोन से YouTube खोला था, उसके पहले वीवो वीडियो खोला था 12:17 पे, सारा कुछ यहाँ बताएगा। सिस्टम लॉन्चर, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि किसी को मान लो अभी आपने फ़ोन दिया और वो क्या चीज़ खोला, तो यहाँ पे आप उस टाइम पे यहाँ पे शो करके आ जाएगा कि उसने क्या चीज़ खोला था। यहाँ देखिए व्हाट्सअप स्टूडियो खोला था, मतलब यूट्यूब स्टूडियो खोला था, व्हाट्सअप खोला था मैंने, फिर फेसबुक खोला था, सारा टाइम यहाँ पे आपको शो करके आएगा कि इस टाइम ये खोला गया था, इस टाइम ये खोला गया था। तो आपको इससे पता कर सकते हैं कि
किसी ने आपके फ़ोन में क्या क्या चीज़ ओपन किया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सॉर्ट बाय का भी ऑप्शन आता है, तो सिंपली यहाँ पे ऐप नेम पे आप क्लिक करोगे तो ऐप का नाम भी आ जाएगा या फिर लास्ट टाइम यूज, मतलब टाइम से यूज जो किया हुआ तो उससे भी आ जाएगा। तो यहाँ लेकिन यूजर टाइम पे सॉर्ट किया हुआ है। अगर ऐप का नाम पे करोगे तो यहाँ देखिए ऐप का नाम पे आ गया, ये मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में आ जाएगा आपको ABCD इस टाइप से। अगर या फिर यहाँ पे लास्ट टाइम यूज से करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो यूज किया गया मतलब टाइमिंग पे आ जाएगा टाइमिंग के हिसाब से। तो ये सारा देखिए कॉल डायलर मैंने ओपन किया था 12:32 में, तो यहाँ देखिए 12:35 हो गया, 3 मिनट अभी हो गया। तो इस टाइप से ये कोड दोस्तों वर्क करता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोड जो है कुछ एक फ़ोन में काम नहीं करता है दोस्तों, आप पैनिक मत होना। तो चलिए मैं आपको सेकंड कोड के बारे में बताता हूँ। सेकंड कोड दोस्तों इस चीज़ के बारे में, मान लीजिए आप अपने फ़ोन में इंटरनेट यूज कर रहे हो और आप चाह रहे हो तभी फ़ोन आपके कॉल मतलब फ़ोन में नहीं आया, मतलब किसी का कॉल नहीं आया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जैसे मैं YouTube वीडियोस रिकॉर्ड करते रहता हूँ और इंटरनेट की आवश्यकता होती है उसमें, और किसी का बीच में कॉल आ जाता है तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो जाती है, फिर से मुझे रिकॉर्ड करना होता है। तो दोस्तों अगर चाह रहे हैं कि आपके फ़ोन में किसी का कॉल नहीं आया तो उसके लिए क्या आपको करना होगा, कौन सी कोड है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको *21* डालना है और आपको इसके बाद आपको एक 10 अंकों का नंबर डालना है, कोई एक मोबाइल नंबर आपके पास जो ऐसा है जो कि बंद पड़ा हुआ है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि मतलब कोई आपको कॉल कर रहा कॉल नहीं लगे तो बंद पड़ा हुआ मोबाइल नंबर डाल दीजिए। अगर चाह रहे हैं आप कोई आपको कॉल कर रहा है और आप दूसरे फ़ोन में आ जाए तो दूसरे वाले फ़ोन का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। तो मैं चाह रहा हूँ बंद पड़े फ़ोन मतलब कॉल नहीं लगे तो मैं बंद पड़े एक मोबाइल नंबर यहाँ डाल देता हूँ मोबाइल का, तो यहाँ डाल देता हूँ 1 पे क्लिक कर लेता हूँ और जिस भी कॉल मतलब जिस भी सिम का आप चाह रहे हैं कि कॉल जिस भी सिम पे नहीं आया उस पे आपको क्लिक कर देना। तो मान लीजिए मैं यहाँ चाह रहा हूँ BSNL का नहीं आया तो यहाँ BSNL पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से देख सकते हैं कनेक्शन प्रॉब्लम इनवैलिड EMI कोड, मतलब ये गलत हो गया। तो चलिए फिर से मैं एक ट्राई कर लेता हूँ, लगता है कुछ मैंने मिस्टेक से क्लिक कर दिया। चलिए फिर से डाल लेता हूँ फिर यहाँ से आपको हज पे क्लिक करना है, फिर यहाँ BSNL पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ये देखिए कॉल जो आपका फॉरवर्ड हो चुका है। मतलब अभी कोई भी अगर आपके फ़ोन पे कॉल करता है तो फ़ोन आपके फ़ोन पे कॉल नहीं आएगा, आप सिंपली इंटरनेट या कुछ भी जो भी यूज करना चाह रहे हैं आप सिंपली यूज कर सकते हैं, आपके फ़ोन पे कॉल किसी का भी नहीं आएगा, अभी आपका कॉल जो है कहीं और ट्रांसफ़र होगा, यहाँ देख सकते हैं आप। तो चलिए इसे ख़त्म करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो सिंपली आपको फिर जिस सिम से आपने कॉल फॉरवर्ड किया था उस सिम पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं BSNL से किया था, BSNL पे कर दिया, तो ये देखिए मेरा कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस हैज बिन डिसेबल हो गया, यहाँ देख सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस डिसेबल हो गया, मतलब आप कॉल जो है फिर से इसी फ़ोन में आएगा। तो गाइस ये तो थी दूसरी कोड, अब चलिए मैं तीसरी कोड के बारे में आपको बताता हूँ। तीसरी कोड जो है वो बहुत ही सिंपल है, शायद आपको उनके उस कोड के बारे में पता होगा, उससे आप जो है आप अपने फ़ोन का IMEI कोड जो है पता कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको स्टार डालना है, फिर हैच, फिर 0, फिर 6, फिर से आपको हैच डालना है। तो जैसे ही आप डालेंगे ये देखिए ये IMEI कोड यहाँ पे पता चल गया। तो IMEI कोड जो है फर्स्ट वाले सिम का इतना है, फिर सेकंड वाले सिम का इतना, तो दोनों यहाँ से आपको पता कर जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी कुछ एक कोड, और दोस्तों कुछ और भी कोड है लेकिन वो कोड जो है आपको सारे फ़ोन में काम नहीं करेगी, तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए। कुछ एक कोड के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको बता दूंगा, मतलब आपको लिख दूंगा, तो आप उस कोड को यूज कर लीजिए अपने फ़ोन में, अगर काम कर रहा है तो सही है, लेकिन ऐसा जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया कोड है वो कुछ एक फ़ोन में ही यूज होती है। तो गाइज आशा करता हूँ आप सारा कुछ समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं और हमें मोटिवेशन भी मिलती है आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो सो गाइज प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो जो है आप किस टॉपिक में चाहते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।